चैप्टर नंबर टू रियल नंबर्स प्रैक्टिस है 2.3 के लिए कुछ बेसिक है जो सीखेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज मीन बाय सर्ड, SURD, सर्ड। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? सर्ड। सर्ड मतलब क्या, पहले वो समझेंगे। डेफिनेशन है इफ द nth रूट ऑफ a, इसको पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a इज एन इरेशनल नंबर देन इट इज सेड टू बी सर्ड। मतलब क्या है पहले समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय nth रूट ऑफ a। n मतलब कोई भी रूट, जैसे अलग अलग रूट होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 आ गया तो फोर्थ रूट, 5 आ गया तो फिफ्थ रूट, यहां 6 आ गया तो a मींस ऐसा नंबर जिसका कोई रूट पॉसिबल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कुछ है क्या? नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। यहां कुछ नहीं है मतलब 2 है, स्क्वायर रूट ही मतलब यहां क्या है 2। अगर यहां 2 की जगह 3 आ गया तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 2? 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मिले, जैसे 1 × 1 × 1 क्या होता है, तो द क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। तो ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मिले? 2 × 1 × 1 ऐसा नहीं जमेगा, सेम नंबर चाहिए। 1 × 1 × 1 किया है तो 2 × 2 × 2 ही कर सकते, 3 × 3 × 3 ही कर सकते, 2 × 1 × 1 नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो तीनों नंबर सेम हो जिसका मल्टीप्लीकेशन 1 आता हो तो वो 1 है। 3 ऐसे कोई नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 आता हो? नहीं जे, 2 × 2 × 2 करोगे तो 2 थोड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 होगा, तो क्यूब रूट ऑफ 2 भी नहीं है। तो यहां का जो नंबर है वो चेंज हो गया, पहले कुछ नहीं है मतलब क्या था, 2 था, अब क्या आ गया, कुछ नहीं होता है मतलब उसको क्या पढ़ते हम, स्क्वायर रूट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, और यहां 3 आ गया तो क्या पढ़ते, क्यूब रूट। यहां अगर 4 आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, फोर्थ रूट, क्या पढ़ेंगे, फोर्थ रूट। 5 आ गया तो क्या पढ़ेंगे, 6 आ गया तो, क्या 2 का कोई स्क्वायर रूट पॉसिबल है? नहीं है। क्या 2 का कोई क्यूब रूट पॉसिबल है? 2 का कोई फोर्थ रूट? 2 का कोई फिफ्थ रूट? फोर्थ रूट यानी एक ही नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मिलता है क्या? नहीं मिलता है, कोई भी ऐसे 4 नंबर नहीं है मतलब सेम नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 2 मिले। तो ये सारे नंबर जिसके आंसर पॉसिबल ही नहीं है उसको बोलेंगे सर्ड। क्लियर? जिसका ना कोई स्क्वायर रूट हो, ना क्यूब रूट हो, ना फोर्थ रूट हो, ना फिफ्थ रूट हो, ना सिक्स रूट हो, मतलब जो भी दिया है उसके हिसाब से। तो अगर आंसर आ जाता है तो वो सर्ड नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान से सुनो, अगर आंसर आ जाता है तो वो सर्ड नहीं है, अगर आंसर नहीं आता है तो वो सर्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27? 3 है, 3 × 3 × 3 करेंगे तो 27 मिले, तो इज इट अ सर्ड? ये सर्ड है क्या? ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आंसर पॉसिबल है। तो सर्ड क्लियर हो गया सभी को? ये डेफिनेशन लिखो और एग्जांपल्स लिख लो, व्हाट इज मीन बाय सर्ड। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये पूरे 2 × 2 × 2 ही हो गए। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 कुछ नहीं है, फोर्थ रूट ऑफ 10 नहीं है, फिफ्थ रूट ऑफ 9 नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सर्ड हो जाएंगे। ये इसको पढ़ेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 9। क्लियर है सभी को? सर्ड मतलब क्लियर हो गया क्या? डेफिनेशन नंबर 2 ऑर्डर ऑफ सर्ड। ऑर्डर मतलब क्या, किसी भी सर्ड का ऑर्डर क्या रहेगा इन nth रूट ऑफ a, क्योंकि सर्ड इसी फॉर्म में लिखा जाता है, nth रूट ऑफ a, n इज सेट टू बी द ऑर्डर ऑफ द सर्ड एंड a इज एनी रैशनल नंबर। ये n क्या है? ऑर्डर ऑफ सर्ड, और a क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 5, इसमें ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इसमें? 3 है,
और रैशनल नंबर क्या है इसमें? 5 है, क्लियर है? सो ऑर्डर मतलब जो यहां दिया है। अब अगर कुछ ना दिया हो, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ऑर्डर बोलो। ऑर्डर 0, 2 है, मैंने बोला ना कुछ नहीं है मतलब क्या है 2, और रैशनल नंबर क्या है 10 है। क्लियर है सभी को? लिख कर ले लो ऑर्डर ऑफ सर्ट। डेफिनेशन नंबर 3 है हमारी लाइक सर्ट्स। सर्ट समझ में आ गया ना? n n पावर ऑफ a यानी nth रूट है। टू और मोर सर्ट्स विद सेम ऑर्डर एंड सेम रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी लाइक सर्ट्स। ऐसे सर्ट जिनमें ऑर्डर और रैशनल नंबर सेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक सर्ट। जैसे यहां पर क्यूब रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 5, ये दोनों क्या है? लाइक सर्ट्स। यहां ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 है। यहां ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर तो सेम है। रूट के अंदर का यहां रैशनल नंबर क्या है? 2। रूट के अंदर यहां रैशनल नंबर क्या है? तो हमें सिर्फ ऑर्डर देखना है और अंदर का नंबर देखना है। अगर ये सेम है तो वो लाइक सर्ट है। ये जो बाहर पढ़ रहे हैं, ये जो बाहर लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे इंटीजर। इसको ऐसे पढ़ा जाता है 10 इंटीजर रूट 2 एंड 25 इंटीजर। तो ये दोनों लाइक है या अनलाइक है? लाइक सर्ट है। लेकिन अगर यहां पर एक के पास भी अगर 3 आ गया, अगर ऑर्डर चेंज हो गया, तो वो अनलाइक सर्ट हो जाएंगे। क्लियर है क्या? ऑर्डर सेम होना चाहिए और अंदर नंबर सेम होना चाहिए। जैसे ये 6 रूट 5 एंड 5 बाई 2 रूट 5 लाइक सर्ट। क्लियर है सभी को? हाँ, एक और एग्जांपल लेता हूं वो समझने के लिए। देखो यहां पर 5 इंटीजर रूट 7 एंड रूट 75। यहां देखो एक मिनट के लिए, 5 इंटीजर रूट 7 एंड रूट। अब यहां तो रूट के अंदर ऐसे नंबर थे जिनका कोई स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इसको देख के आंसर दिए। सिर्फ यहां अगर देखोगे तो यहां अंदर क्या है? यहां 5 ले लो, ये एग्जांपल लेते हैं 5 इंटीजर रूट 5 एंड रूट। यहां अंदर क्या है? यहां अंदर क्या है? यहां ऑर्डर क्या है? यहां ऑर्डर क्या है? लेकिन इनके रैशनल नंबर कैसे? लेकिन ये लाइक है या अनलाइक है इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। अभी नहीं चल सकता क्योंकि अंदर बहुत बड़ा नंबर है। समझ में आ रहा है क्या? अगर अंदर छोटे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 तो फिर चल जाएगा। अगर उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर अंदर बड़ा नंबर है तो हमें उसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? देखो 5 इंटीजर रूट 5 एंड 75 को ऐसे नंबर से लिखना है कि जिसका कोई स्क्वायर रूट आता हो। स्क्वायर रूट किसका किसका आता है? 4 का आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, और किसका आता है? 9 का स्क्वायर रूट 3, और किसका आता है? 16 का आता है, 16 का स्क्वायर रूट 4, और किसका आता है? 25 का स्क्वायर रूट 5, और 36 का स्क्वायर रूट 6। तो ऐसे ही नंबर के साथ इसको लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे 25 इंटू 5। लिख सकते कि नहीं? 25 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 25 इंटू 3 लिख दिया अपन ने। अब ये 25 बाहर आएगा तो ये 5 रूट 5 एंड 25 का स्क्वायर रूट बाहर लो 5 अंडर रूट 3। क्लियर है? अब हम बोल सकते हैं कि ये लाइक है या अनलाइक है। तो आप कौन से है? अनलाइक सर्ट से। कौन से है? क्योंकि यहां अंदर क्या आ रहा? 5। यहां अंदर क्या आ रहा है? बाहर सेम भी आए तो वो लाइक नहीं है, अंदर के नंबर देखने पड़ेंगे। क्लियर है? और अगर यहां 3 कर दिया जाए तो आप लाइक सर्ट्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये इसको इसके हिसाब से सॉल्व कर किया जाता है। ये सिंप्लीफिकेशन में आएगा। वैसे ये अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दो एक मिनट के लिए। कंफ्यूज हो रहा है क्या? ठीक है, चलो ये लिख कर लो। मैं थोड़ा डेफिनेशन नंबर 4, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सबसे छोटा फॉर्म उसका, सबसे लोएस्ट फॉर्म। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट। जैसे अंदर अगर आप देखोगे आप तो बहुत बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं,
इससे पहले रूट फाइव, रूट थ्री, रूट सेवन वैसे दिख रहे थे, यहां अब नंबर्स बढ़े। इस सर्ड का ऑर्डर क्या है? टू है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या वो नंबर फोर के टेबल में जाता है, नहीं जाता है तो क्या वो नंबर नाइन के टेबल में जाता है, नहीं जाता है तो क्या वो नंबर 16 के टेबल में जाता है, नहीं तो क्या वो 25 के टेबल में जाता है, नहीं तो क्या वो 36 के या फिर 49 के या फिर 64 के इन टेबल्स में जाता है, क्या देखना है। इन्हीं से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये स्क्वायर नंबर्स है, इनसे ही क्यों देख रहे हैं? हाँ, ये फर्स्ट वन की बात चल रही है अभी सिर्फ, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट आया, क्यूब रूट आया तो कुछ और है, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो क्यूब वाले नंबर से देखना पड़ेगा। यहां देखो अभी, तो ये कौन से टेबल में जाएगा? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 25 × 3, 25 बाहर आया तो 5, अंदर क्या बचा? तो 5√3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √75। क्लियर है? 5√3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √75। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इसको और कितना हम लोग अंदर के नंबर को छोटा कर सकते, छोटा करने के लिए फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ, अब यहां पर क्या आ गया? ऑर्डर क्यूब, तो क्यूब वाले नंबर से देखना पड़ेगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का, 5 का 6 का, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो अब ये कौन से टेबल में जाएगा वो देखेंगे। 125 के टेबल में जाएगा, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 125 × 2। क्लियर है कि नहीं? 125 किसका क्यूब है भाई? तो बाहर आके वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा सिर्फ। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? समझ में आ रहा है? अभी अभी क्या है हमारे पास? फोर्थ रूट, यानी 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 × 1 × 1 होता है 1, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो यानी 2 का जो फोर्थ पावर है वो 16 है। 3 का लेते, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 × 3 = 81। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कौन से टेबल में जाएगा भाई? 16 के, 16 × क्या लिखूं? 16 × 5, 16 का फोर्थ रूट क्या होता है? 2 होता है। 16 का स्क्वायर रूट नहीं देखना है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने के पे 16 मिलेगा? तो वो है 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो 16 बाहर आके 2 हो गया, अंदर क्या बचा? 5। तो फोर्थ रूट 80 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? 2। यहां पे है क्यूब रूट, यहां पे फोर्थ रूट। क्लियर है क्या? लिख कर ले लो। डेफिनेशन नंबर 5, कंपैरिजन ऑफ सेट। कंपैरिजन करने का 3 तरीके होते हैं। ये देखना कौन सा ग्रेटर है, या ये देखना कौन सा स्मॉलर है, या ये देखना कि क्या दोनों इक्वल है या नहीं। ग्रेटर, स्मॉलर या इक्वल, 3 ही साइन होते हैं कंपैरिजन के। ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ये तीनों में से कोई एक होगा। यहां देखो अभी, यहां बाहर इंटीजर क्या है? 5। यहां बाहर इंटीजर 5। यहां अंदर रैशनल नंबर 2। यहां अंदर रैशनल नंबर 3। अच्छा, आप दोनों को देख के ही अपने को पता लग रहा है कौन सा बड़ा है, कौन सा है? 5√3, क्योंकि बाहर के नंबर तो सेम है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5√2 इज स्मॉलर देन 5√3। क्लियर है? ये तो बहुत इजी था। कमिंग ओवर हियर, यहां आते, यहां देखो अभी, यहां बाहर का नंबर इस साइड बड़ा है और इस साइड छोटा है, लेकिन अगर अंदर के नंबर देखेंगे तो इस साइड छोटा है, उस साइड बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, किसको स्मॉलर किसको ग्रेटर लिखेंगे? तो इसके लिए फिर स्टेप्स है। क्या स्टेप है? कि बाहर के नंबर ही अंदर लेकर चले जाओ। बाहर क्या है? बाहर है 5। जैसे बाहर आते वक्त स्क्वायर रूट बाहर आता है, अंदर जाते वक्त स्क्वायर अंदर जाता है। 5 का स्क्वायर, तो अंदर जाएगा 5, अंदर क्या बन के जाएगा? बेस बदल के चला गया है ना, × 2, एंड 4 अंदर जाके
इंटू 25 इंटू 2 एंड 16 थ्री जा कौन सा बड़ा है भाई 50 बड़ा है। क्लियर है? ये कर सकते हैं क्या अपन? लास्ट वन ऐसे ही करना है, देखो आता है क्या। डेफिनेशन नंबर 6 ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट मतलब इसके प्रॉपर्टीज क्या है? तो जो लाइक जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो सिर्फ लाइक सर्ट्स का हो सकता है, अनलाइक सर्ट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे 5√2 + 6√2 = 11√2 ये क्यों ऐड हो गए? क्योंकि वो लाइक सर्ट्स है, सेपरेट भी हो सकते हैं चाहो तो। लेकिन अगर ऐसा है 5√2 + 5√3 तो इसका कोई आंसर नहीं है, यही आंसर है उसका, क्योंकि ये कौन से सर्ट्स है? तो सिर्फ लाइक सर्ट्स को ऐड और सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी का भी हो सकता है, एवरी सर्ट, चाहे वो लाइक हो अनलाइक हो कुछ भी हो, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, किसी का भी डिवीजन हो सकता है। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देख लो, 5√2 × 2√3 यहां देखो मल्टीप्लिकेशन किसी का भी हो सकता है, बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा अंदर का अंदर, 5√2 × √3 √6। क्लियर है? डिवीजन भी हो सकता है, डिवीजन देख लो, √20 / √2 यहां देखो √20 / √2 दोनों को एक ही रूट में लिखा जा सकता है, 20/2 कितना हुआ आंसर? 10 हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अनलाइक सर्ट्स का भी हो सकता है, लाइक सर्ट्स का भी हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक सर्ट का ही हो सकता है।